हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जावा थ्रोज कीवर्ड्स। सो जैसे कि आप जानते हो कि थ्रोज कीवर्ड का यूज़ कब करते हैं, कहाँ करते हैं, अभी फ़िलहाल आप नहीं जानते हो, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे यूज कर सकते हो। तो देखो, सिंपली अगर हम लोग बात करें कि इस कीवर्ड का यूज क्या होता है, तो जावा थ्रो कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर एन एक्सेप्शन। देखो, एक्सेप्शन को डिक्लेयर करने का मतलब ये होता है कि हम एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर रहे हैं, किसी मेथड के ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं कि ताकि हो सकता है, बाय द वे, कि ये जो मेथड है कभी एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। तो हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं कि हाँ, ये जो मेरा पी मेथड है, ये कोई एक्सेप्शन थ्रो करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर अच्छे से आप समझना चाहो तो यहाँ पे हम लोग थ्रोज कीवर्ड का यूज कैसे करते हैं। सिंपली मान लो आपके पास एक मेथड है जिसका नाम है void प्रिंस। ओके, प्रिंस नाम का एक मेथड है और इस मेथड के अंदर कोई नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा है या कुछ भी ऐसे में एक्सेप्शन अकर्ड होने वाला है जो मुझे लगता है कि हो सकता है, मे बी, कभी कभी डेटा मेरे पास नहीं आए, तो अगर नल आए तो फिर हमको एक्सेप्शन थ्रो करना पड़ेगा एक्सेप्शन। तो इसको डिक्लेयर करने के लिए हमको डेफिनेटली यूज करना पड़ेगा मेथड डिक्लेरेशन। और मेथड डिक्लेरेशन हम लोग करते हैं कहाँ पे, मेथड के ऊपर, जहाँ पे पैरेंथेसिस आता है ना, void पैरेंथेसिस, मेथड नेम विद पैरेंथेसिस। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं थ्रो, डब्ल्यू एच थ्रोज कोई भी एक्सेप्शन, लाइक आईओ एक्सेप्शन, जो भी आपको लग रहा है, आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये जो प्रिंस नाम का जो मेथड है, इस कुछ एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है बाई द वे, अगर ऐसा हुआ तो इस कंडीशन में, ठीक है। तो वहां पे हम लोग उस मेथड को डिक्लेयर करते हैं एज ए थ्रो एक्सेप्शन। तो थ्रोज कीवर्ड का यूज हम लोग यहां पे करते हैं और थ्रो कीवर्ड का यूज करते हैं, थ्रो और थ्रोज इसमें डिफरेंस है। थ्रो का यूज करते हैं किसी एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए मेथड के बॉडी के अंदर से, लेकिन थ्रोज कीवर्ड का यूज करते हैं किसी मेथड को डिक्लेयर करने के लिए कि हाँ, ये जो मेथड है, ये मेथड एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, ठीक है। तो अगर हमको लगता है कि ये जो मेथड है एक्सेप्शन थ्रो करेगा, तो हम लोग उस मेथड को डिक्लेयर करते हैं एज ए थ्रोज कीवर्ड कि ये जो मेथड है, हमारा एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा एक्सेप्शन थ्रो करेगा। लेकिन अगर हमको इंटरनली किसी मेथड के बॉडी से अगर किसी एक्सेप्शन को थ्रो करना है, फॉर एग्जाम्पल हम सोचते हैं कि अगर ऐसा आया तो मैं एक्सेप्शन को थ्रो करूंगा, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं थ्रो कीवर्ड। आई होप कि यू गेट इट एंड यू अंडरस्टैंड कि कैसे यूज करते हैं, कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये सारी चीजें। अगर और डेप्थ में आपको जानना है इसके बारे में, तो हम लोग सिंपली इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि द जावा थ्रो कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर एन एक्सेप्शन। कभी भी आप मत बोलना कि थ्रो द एक्सेप्शन, इट्स ओनली टू डिक्लेयर द एक्सेप्शन कि ये मेथड जो है थ्रो करेगा एक्सेप्शन। डिक्लेयर हम लोग करते हैं उस मेथड के ऊपर, सिग्नेचर के ऊपर। सो इट्स गिव्स एन इंफॉर्मेशन टू प्रोग्रामर। ये क्या करता है, हम लोग को इंफॉर्मेशन देता है प्रोग्रामर को, जहां पे इस मेथड को कॉल किया गया होगा, डेट देयर मे बी अकर्स एन एक्सेप्शन। सो इट इज बेटर फॉर प्रोग्रामर टू प्रोवाइड एन एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड। तो हमें ये फोर्स करता है कि आप इस मेथड के लिए आप हैंडल करो, एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करो, लाइक ट्राई और कैच का यूज करके आप इस एक्सेप्शन को हैंडल करो, मे बी कोई एक्सेप्शन आ सकता है इस मेथड के थ्रू। अगर आपने एक्सेप्शन को डिक्लेयर कर दिया और हैंडल नहीं किया, तो फिर भी आपको एक्सेप्शन आएगा और आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। सो मेक श्योर कि आपको पहले ही एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा, सो डैट द नॉर्मल फ्लो कैन बी मेंटेन्ड। सो जो नॉर्मल फ्लो होता है वो मेंटेन रहेगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकता है। हम लोग एक एक चीज़ें बहुत बारीकी से कोड करके सीखेंगे कि कहाँ पे एरर आएगा, कब एरर नहीं आएगा, कब आप लिखोगे, कैसे आप नहीं लिखोगे, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे कोडिंग के थ्रू। बस लेट्स पेशेंस होनी चाहिए आपके पास। आगे बात करते हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग इज ए मेनली यूज टू हैंडल द चेक्ड एक्सेप्शन। अब बताओ, चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है? इंटरव्यू का सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है, चेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है और अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है? देखो, चेक्ड एक्सेप्शन का मतलब होता है कि उसे डेफिनेटली आपको हैंडल करना पड़ेगा। अनचेक्ड एक्सेप्शन का मतलब होता है कि कभी भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है।
तो उसको हैंडल करने का जरूरत नहीं है और है भी। ये दो कंफ्यूजन चीजें हैं। चेक एक्सेप्शन का यूज तब करते हैं जब हमें लगता है कि आएगा ही आएगा, डेफिनेटली श्योर है हम, तो चेक एक्सेप्शन। अगर मैं श्योर नहीं हूं तो अनचेक्ड एक्सेप्शन में भी हो सकता है। तो अगर आप चेक एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, एरर आएगा। अनचेक्ड एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करोगे तो एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है। चेक एक्सेप्शन एक बार आप पढ़ कर लो, गूगल पे सर्च करो और उसे एक बार पढ़ लो कि हाँ चेक एक्सेप्शन क्या होता है, अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सारी चीज़ें। इफ देयर अकर्स एनी अनचेक्ड एक्सेप्शन सच एज ए नल पॉइंटर एक्सेप्शन, इट इज ए प्रोग्रामर फॉल्ट डेट डेट ही इज नॉट परफॉर्मिंग चेकअप बिफोर द कोड बिंग यूज। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि नल पॉइंट एक्सेप्शन आता है तो ये आपको बताता है क्या पहले कि आप हैंडल करो? नहीं, मुझे तो नहीं बताता है कि भाई मैं नल पॉइंटर एक्सेप्शन आऊंगा, आप प्लीज मुझे हैंडल कर लो, ऐसा कुछ नहीं बताता है, डायरेक्टली आ जाता है। तो ये क्या है, एक अनएक्सपेक्टेड वे है, अनएक्सपेक्टेशन है, तो अनचेक्ड एक्सेप्शन है। उसके बाद इफ देयर अकर्स एनी अनचेक्ड एक्सेप्शन सच एज नल पॉइंटर एक्सेप्शन, इट इज प्रोग्रामर फॉल्ट दैट ही इज नॉट परफॉर्मिंग चेकअप बिफोर द कोड बिंग यूज। तो हम लोग का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हम लोग अनचेक्ड एक्सेप्शन को हम लोग हैंडल करें, ठीक है। नहीं तो ये आपका फॉल्ट होता है प्रोग्रामर को कि आपने सही से ध्यान नहीं दिया कि ऐसे कोड में कुछ रॉन्ग चीजें हो रहे हैं, ठीक है। तो मेक श्योर हम लोग बातें कर रहे हैं थ्रो कीवर्ड का, यार हम लोग अनचेक्ड एक्सेप्शन चेक्ड एक्सेप्शन पे डिस्कस करने लगे, कोई बात नहीं, लेट्स इंजॉय। उसके बाद हम लोग बातें करते हैं कि हाँ चेक एक्सेप्शन जैसे कि हो गया, तो यहाँ पे हम लोग को डेफिनेटली डिक्लेयर करते हैं थ्रो कीवर्ड के थ्रू, ओके। उसके बाद अगर हम लोग और डेप्थ में बात करें तो हम लोग एक कोड के थ्रू समझते हैं कि एक्चुअली में चेक एक्सेप्शन नहीं, चेक नहीं, थ्रो कीवर्ड का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, ओके। सो ये हम लोग के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखो एक हमारे पास कोड है टेस्ट प्रोपोगेशन, हम इसको चेंज कर देते हैं। क्या करें, इसको वही रहने दो यार, टेस्ट प्रोपोगेशन ही रहने दो, यही सही है, ठीक है, वो सही है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसी में हम लोग क्लास नेम से क्या डिपेंड कुछ करता है क्या, नहीं कुछ करता है, तो हम लोग इसी में हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो देखो आपके पिछले वीडियो में हम लोग ने बात किया था कि टेस्ट प्रोपोगेशन यानी कि एक्सेप्शन प्रोपोगेशन क्या होता है, यानी कि एक्सेप्शन चैनिंग क्या होता है, एक्सेप्शन प्रोपोगेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस किए थे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग थ्रो कीवर्ड का बात कर रहे हैं, तो हम लोग यूज करेंगे थ्रो कीवर्ड। तो फॉर एग्जाम्पल हमें लगता है कि ये जो मेथड है यहाँ पे कोई एक्सेप्शन अकर्ड होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, इस मेथड को डिक्लेयर करेंगे विथ थ्रो कीवर्ड, THROWS थ्रोज कीवर्ड, IO exception, आईओ एक्सेप्शन थ्रू करेंगे, आईओ एक्सेप्शन। आईओ एक्सेप्शन एक एक्सेप्शन है जो एक्सेप्शन हैंडलिंग में एक क्लास है, तो हम लोग उसको थ्रो करेंगे। तो सिंपली इस मेथड को बोलेंगे कि एक तुम एक्सेप्शन थ्रो कर दो, तो इसको बोलने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि भाई एक्सेप्शन थ्रो करो, इट्ठो सिंपली आप इसे क्लोज करोगे, इस जो मेथड को इसको मिटा दो यार। और आप बोल रहे हो कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड M1 एक मेथड है जिसको हम डिक्लेयर कर रहे हैं एज ए कि थ्रो एक्सेप्शन हो सकता है, तो हम लोग इसको एक्सेप्शन थ्रो करेंगे। तो हम लोग अपना खुद से एक्सेप्शन को क्रिएट कर रहे हैं, थ्रो न्यू एक्सेप्शन EXCE EXCE PTI1, एक्सेप्शन नहीं, आयो एक्सेप्शन इसको बनाते हैं, आयो एक्सेप्शन। और इस एक्सेप्शन में कुछ आप लिख दो, समथिंग रॉन्ग, समथिंग रॉन्ग, ओके। तो ये जो मेरा मेथड हो गया M1 में, एम मेथड जो है M नाम का, ये हम डिक्लेयर कर दिए कि ये जो मेथड है आयो एक्सेप्शन थ्रो करेगा, ओके। उसके बाद हम लोग इसमें दो कीवर्ड का यूज किए, एक थ्रोज और एक थ्रो। तो थ्रो कीवर्ड से हम लोग एक्सेप्शन को क्रिएट करके थ्रो करते हैं, और थ्रोज कीवर्ड से हम लोग मेथड को डिक्लेयर करते हैं कि ये जो मेथड है ये मेथड थ्रो करेगा एक्सेप्शन।
अब मान लो इस मेथड को कॉल कौन किया है, P1 मेथड कॉल किया है, तो इस P1 मेथड को हैंडल करना पड़ेगा इस एक्सेप्शन को। अगर मान लो अभी हैंडल नहीं किया है, अभी इसको रन करके देखो, तो आपको एक बड़ा सा एरर आ रहा है और बोला जा रहा है कैनॉट फाइंड सिंबल आयो एक्सेप्शन। ओ माई गॉड, ओके, सो आयो एक्सेप्शन को इंपोर्ट करना पड़ेगा एक्चुअली। सो इंपोर्ट जावा डॉट स्टार, जावा डॉट लैंग डॉट आयो होता है कि यूटिलर आयो, यार मुझे भी याद नहीं है। ओके हाँ हो गया। तो ये जो पैकेज का नाम था, सिंपली हम लोग जो आयो एक्सेप्शन है उस किस पैकेज में है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था, तो हम लोग ने लिख दिया इंपोर्ट जावा डॉट आयो। तो जावा डॉट आयो एक पैकेज है, उसके अंदर एक क्लास होगा आयो एक्सेप्शन, जिसको हम लोग ने इंपोर्ट कर लिया अपने प्रोग्राम में, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो एक्सेप्शन आ रहा था कि कैनॉट फाइंड सिंबल, अभी वो नहीं आएगा। और यहाँ पे दिया जा रहा है कि M1 जो मेथड है, देखो यार पढ़ो, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन आयो एक्सेप्शन मस्ट बी काउट डिक्लेयर टू बी द थ्रोन। बोल रहा है कि आपने थ्रो किया है, आप उसको हैंडल क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपको बता रहा है कि आप क्यों नहीं हैंडल कर रहे हो M1 मेथड को, P1 से बोल रहा है कि P1 से। तो P1 बोल रहा है कि यार मेरे पास तो हैंडल करने के लिए तरीका नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये भी कहेगा कि ठीक है हम भी थ्रो कर देते हैं, क्या करेगा, हम भी थ्रो कर देते हैं, चाहे हम हैंडल कर लेते हैं। तो हैंडल करना है तो हैंडल कर सकता है, चाहे थ्रो करना है तो थ्रो कर सकता है। तो वहाँ पे थ्रो हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी एक्सेप्शन अकर्ड होगा, तो यहाँ पर भी आप थ्रोज कर दो, थ्रोज आयो एक्सेप्शन। अब देखो, अब आयो एक्सेप्शन थ्रो हो गया, तो मेन तो ऑलरेडी हैंडल करके रखा हुआ है, क्या है मेन ट्राई कैच ऑलरेडी लगा करके रखा हुआ, इसको हटा दो आप, देखो एरर आ जाएगा फिर से, ठीक है सबको हटा दो। अब क्या बोलेगा, अब बोलेगा एरर अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन आयो एक्सेप्शन मस्ट बी काउट और डिक्लेयर्ड टू बी द थ्रोन, बोल रहा है ना कहां पे, P1, क्योंकि ये बोल रहा है कि देखो जो P1 मेथड है वो एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है और आपने हैंडल नहीं किया है, तो ये जो थ्रो होता है एक्सेप्शन, इसको मैंडेटरी है कि आपको हैंडल करना पड़ेगा, अगर आप हैंडल नहीं करोगे तो आपका प्रोग्राम कंपाइल भी नहीं होगा। तो ये मैंडेटरी हो जाता है, जब भी हम किसी मेथड के ऊपर लिखते हैं थ्रोज आयो एक्सेप्शन, यानी कि डिक्लेयर करते हैं किसी मेथड को कि ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा, तो इसको मैंडेटरी है कि आपको हैंडल करना पड़ेगा। जैसे कि नल पॉइंट एक्सेप्शन होता है तो उसको हैंडल करना जरूरत नहीं है, लेकिन मे बी आप अगर हैंडल करते हो तो यू आर ए गुड प्रोग्रामर, ओके। सो क्या चीज़ मैंडेटरी है, क्या चीज़ मैंडेटरी नहीं है, तो अगर आप किसी मेथड के ऊपर थ्रोज कीवर्ड देखो तो डेफिनेटली आप उसको हैंडल करो, अदरवाइज एरर आएगा। दैट्स इट, मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि अगर आप किसी भी मेथड के ऊपर ऐसा देख रहे हो तो उसको ट्राई कैच के अंदर हैंडल नहीं करोगे तो एरर आएगा। देखो यहाँ पे अभी फिलहाल एरर आ रहा था, अब हम क्या करते हैं कि जो कुछ भी था पहले से ट्राई कैच सब कुछ ला दिए, और इस ट्राई के अंदर एक क्या है, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे पी को कॉल किया गया है, और यहाँ पे कोई भी अगर एक्सेप्शन अकर्ड होता है तो उसको हैंडल करने के लिए हमने कैच ब्लॉक लिखा है, तो इजीली हैंडल हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सिंपली आप कंपाइल करो और रन करो तो आपका आएगा प्लीज डोंट डिवाइड नंबर विथ जीरो, डेट इज कॉल्ड, ये जो हम नंबर दिए हैं कुछ भी समथिंग वेंट रॉन्ग आप दे दो, समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग, तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। तो एक बात आप याद रखो, दो चीजें, कि अगर आप किसी मेथड को डिक्लेयर करते हो एज ए थ्रोज, थ्रोज, तो आपको अगर उस मेथड से एक्सेप्शन थ्रो होता है तो अगर इस मेथड को कहीं पर भी कॉल करोगे, मान लो यहाँ पे कॉल किए और इस मेथड को यहाँ पे कॉल किए,
और अगर यहाँ पर भी आप हैंडल नहीं करोगे तो एक्सेप्शन थ्रो आएगा, आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली कि आपको हैंडल करना पड़ेगा अगर वहाँ से थ्रो हो रहा है एक्सेप्शन को। तो आप एक्सेप्शन को यहाँ पर भी हैंडल कर सकते थे पी में, ठीक है, तो नॉर्मली कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो आप कहीं पर भी एक जगह आपको हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप कि आपको अंडरस्टूड हो गया होगा कि एक्चुअली में क्या होता है एक्सेप्शन प्रोपोगेशन। उसके बाद ये एक्सेप्शन प्रोपोगेशन भी एग्जाम्पल हो सकता है, और थ्रो कीवर्ड का यूज कहाँ करते हैं, थ्रोज कीवर्ड का यूज करते कहाँ करते हैं, चेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है, अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है, ट्राई क्या होता है, कैच क्या होता है, फाइनली क्या होता है, ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें कीवर्ड के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाकर के एक बार चेकआउट करो, और प्लीज़ सपोर्ट मी, डोंट फॉरगेट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।